नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे सरकारी योजना YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, जिसे श्रमिक मजदूर भत्ता योजना के नाम से भी जाने जाते हैं, इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में इस कोरोना काल के दौरान चालू की गई है। यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य के उन गरीब परिवारों श्रमिक मजदूरों के लिए है जो सड़कों के किनारे ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं, या फिर चाय की दुकान है, या कृषक मजदूर है जो पलदार होते हैं, या दिहाड़ी मजदूर है जो मिठाई का कार्य करते हैं। उन कुशल कामगारों के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है के लिए इस कोरोना महामारी के चलते आज सभी ये दुकानें बंद है, क्योंकि उनके ज्यादा भीड़ करने से लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, इसी वजह से ये सभी दुकानें बंद है। तो ये मजदूर भाई अपने दुकानों को बंद करके आज अपने घरों पर बैठे हैं। उनके परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं होना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में यूपी सरकार ने इन मजदूर भाइयों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना उत्तर प्रदेश भरण पोषण योजना की शुरुआत की है। ये भरण पोषण योजना, जिसे मजदूर भत्ता योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए जो आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है और कौन कौन से इसके दस्तावेज है, पात्रता है या आवश्यक दस्तावेज है, उनके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो में लगातार बने रहें, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जरूर प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और इस YouTube चैनल पर आपको सभी सरकारी योजनाएं, जैसे राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं निकाली जाएगी, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी, ताकि आपको योजना का पूरा लाभ मिल सके। अभी हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार योजना की जो योजना है श्रमिक भरण पोषण योजना, उसके कुछ हाइलाइट्स हैं, उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। तो योजना का नाम है उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, और जिसे मजदूर भरण पोषण भी योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने 21 मार्च 2021 को शुरुआत की गई थी, और ये योजना योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के जितने भी श्रमिक परिवार है जो आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, जो अपने परिवार का जीवन पालन पोषण सड़कों के किनारे बैठकर एक चलती फिरती दुकान से करते हैं, उनके लिए इस योजना का शुरुआत की है। इस योजना की अभी हम बात करें लाभार्थी की, तो यूपी राज्य के जितने भी श्रमिक मजदूर परिवार है जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए एक मजदूरी का सहारा लेते हैं, उन्हीं के लिए ये योजना शुरू की गई है। और वित्तीय सहायता योजना के तहत जो प्रदेश के जितने भी कर्मचारी है, जो कुशल कर्मचारी है, जो श्रमिक मजदूर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनको प्रति महीने 1000 रुपये देने की योजना बनाई है। तो इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले मैं हम आपको बता देते हैं कि इस योजना की जो मुख्य विशेषता है उनके बारे में। तो योजनाएं की मुख्य विशेषता है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यूपी सरकारी मजदूर भत्ता योजना के अंतर्गत करीब राज्य के 35 लाख मजदूरों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, और इस मजदूर भत्ता योजना के अंतर्गत यूपी राज्य के वे परिवार शामिल किए जाएंगे जो सड़कों के किनारे ठेला लगाते हैं, या बाजार में चलती फिरती दुकानें जैसे रेडी सब्जी की दुकान लगाते हैं, या जो बिल्डिंग लाइन के मजदूर है वो भी काम करते हैं, या पटरी के किनारे जो चाय की दुकान बनाकर बैठे हैं, तो इस कोरोना महामारी के कारण आज सभी घर पर बैठे हैं, उनकी दुकानें सभी बंद हैं, उन्हीं को 1000 रुपये देने की योजना बनाई गई है। तो यूपी राज्य के जो कामगार श्रमिक मजदूर है इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो इस योजना के अंतर्गत जो बताई गई मूलभूत आवश्यकता है या विशेषताएं हैं उनके अंतर्गत आते हैं, तो इसमें आप जरूर आवेदन करना चाहिए। अभी तक मजदूर भत्ता योजना के अंतर्गत करीब 23 लाख मजदूर भाइयों को 230 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता अब तक दे चुके हैं राज्य सरकार। और उत्तर प्रदेश सरकार ने साथ ही यह भी घोषणा की है कि जिन परिवारों के पास बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड है, जो बीपीएल परिवार की नीचे श्रेणी में आता है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है, उनको अंत्योदय योजना की श्रेणी राशन कार्ड की श्रेणी में शामिल किया गया है। उन दोनों परिवारों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल देने की राज्य सरकार की ओर से घोषणा की गई है। तो खाद्य विभाग की ओर से इस लॉकडाउन के काल में, कोरोना काल में, ये सुविधा भी अलग से प्रदान की जाएगी, और हर महीने 1000 रुपये की जो राशि है वो भी उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और आवेदन करने से पहले आपको कुछ जानकारियां और भी है, जो जैसे पात्रता क्या होनी चाहिए, इस योजना के महत्वपूर्ण जो पात्रता होती है उनके बारे में भी जानना जरूरी है।
तो जो भी आवेदक मजदूर भाई इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो वो उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। तो श्रमिक मजदूर भरण पोषण योजना के तहत जो भी आवेदनकर्ता आवेदन करना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और साथ में उसके पास श्रमिक कार्ड भी होना अनिवार्य है। तो श्रमिक कार्ड खासकर होना चाहिए और जिन परिवार की 2 लाख रुपये से कम आय है और छोटी दुकान और रेडी वाले हैं वही इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मजदूर के पास बीपीएल और अंत्योदय जो राशन कार्ड है वो भी होना अनिवार्य है। अभी आपको जो दस्तावेज है उनके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले श्रमिक कार्ड हर मजदूर के पास होना चाहिए जो इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है। तो लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार का राशन कार्ड होना चाहिए और बैंक पासबुक होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे बिजली बिल भी हो, अपने एड्रेस के तौर पर जो मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र और कुशल कामगार या ठेकेदार का कुछ सर्टिफिकेट भी होता है। जैसे आप स्थायी कर्मचारी है जो कुशल कामगार है तो उनका एक सर्टिफिकेट होता है जो कंट्रैक्टर जो ठेकेदार होता है उनके द्वारा बनाया जाता है। तो पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सभी दस्तावेज आपके पास अनिवार्य है। इन दस्तावेज होने के बाद भी आप श्रमिक मजदूर भत्ता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने की जो पंजीयन फॉर्म की प्रक्रिया है तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी बता देता हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश श्रम विभाग जो कल्याण विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा। इस योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से अपने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो आपके जैसे ही आप श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये पेज जैसे आपके ओपन होगा तो इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक नया ऑफिस होम पेज दिखाई देगा। इस होम पेज पर आपको योजना से जुड़ी सभी जानकारियां बताई गई है। ये जो अलग अलग विभागों में जैसे जैसे जो कर्मचारी है उनके बारे में भी बताया गया और योजना से जुड़ी पूरी तमाम जानकारियां भी बताई गई है। अभी आपको दूसरे नंबर पर आपको ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण एप्लीकेशन फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। इस पेज पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद पहले आपको लॉगिन आईडी करनी है। तो लॉगिन आईडी के अंतर्गत आपको जीमेल आईडी और पासवर्ड और ये कैप्चा फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद नीचे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का नया एक फॉर्म पेज ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म पेज में आपको नाम, ईमेल एड्रेस, नाम पता, एड्रेस जो भी जानकारियाँ बताई गई है वो केवल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आप आसानी से भर सकते हैं। और भरने के बाद नीचे सबमिट बटन का ऑप्शन है, यहाँ पर इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक पॉपअप मैसेज कंपनी द्वारा जो भी जो सरकारी विभाग है वहाँ से आपको पॉपअप मैसेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको हर महीने अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे 1000 रुपये, हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। तो जिससे आपके परिवार की जो मूलभूत आवश्यकताएं वो बड़ी आसानी से पूर्ति हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, राज्य सरकार ये चाहती है कि अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक जो गतिविधियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए सभी परिवार को एकजुट करने के लिए किसी प्रकार की स्थिति बनाए रखने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बताया गया वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप अपने नज़दीकी फ्रेंड्स से और जो रिश्तेदार है वहाँ तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।